सर थे आर्मी वाले, उन्होंने बता रहा था कि वो जो बम गिरा था ना, लास्ट वीडियो को हम जहाँ पे एंड किए थे ना, वो तनोट माता का मंदिर था। और अभी हम लोग तनोट माता के मंदिर से पास लिए, वहाँ पे बॉर्डर पे जा रहे हैं हम लोग। तो एक्चुअली वहाँ पे आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, वो आपको एक पास देंगे, फिर थोड़ा आप आगे आएंगे तो वहाँ पे आपको पास चेक करेंगे, फिर थोड़ा आगे आएंगे तो वहाँ पे एक आईडी आपको और देना पड़ेगा, फिर आप बॉर्डर के तरफ जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर के साइड में, जो तनोट माता मंदिर से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अभी हम लोग बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं, आज आपको फिर से दिखाएंगे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बॉर्डर पे, और आपको दिखाते हैं कैसा बॉर्डर है यहाँ का। एक बॉर्डर तो आपने पहले ही देखा होगा, वो गुजरात के पास था और ये जैसलमेर के पास। तो चलिए चलते हैं। पार्किंग स्पेस यहाँ, इधर अपना इंडिया, उस साइड पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं हम अभी बॉर्डर के पास हैं, और उस साइड हो गया पाकिस्तान और इस साइड अपना इंडिया। यहाँ उधर से भी गेट है, तो पाकिस्तान वाले भी चाहे तो उधर से आके देख सकता है। बट उस साइड कुछ ऐसा कैंप वगैरह लगा हुआ नहीं है, अपने इंडिया के साइड में है, बट उसके साइड में कुछ भी नहीं है। तो ये जो बॉर्डर है ना, ये है जैसलमेर के पास, इसको बबलियान या ऐसा कुछ बोला जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और इधर एक मंदिर भी है कि पाकिस्तान से बम गिराया गया था, तो अगल बगल के सारे बम जो थे सो फट गए थे, बट वो जो मंदिर के पास था वो बचा ही रह गया, फटा नहीं, वो अभी भी है वहाँ पे शायद। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं वो कहाँ पे है। सर थे आर्मी वाले, उन्होंने बता रहा था कि वो जो बम गिरा था ना, वो तनोट माता का जो मंदिर है वहीं पे जाके गिरा दिया था इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने। तो उस टाइम में क्या था कि फेंसिंग वगैरह लगा हुआ नहीं था, तो वो सारे लोग अंदर घुस गए थे और मंदिर के पास जाके वहाँ पे बम गिरा दिया था। अभी तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती, उस टाइम में इतना फेंसिंग वगैरह नहीं था। तो अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे और आपको दिखाएंगे वो मंदिर भी, जहाँ पे वो बम अभी भी रखा हुआ है। तो चलते हैं अभी यहाँ से फिर से तनोट माता के मंदिर की ओर। तो अभी हम लोग नीचे चल रहे हैं। गुरु की नकारों की दुनिया है दिल वालों की। करो शुरू। तो टाइम भी मुझे बताना पड़ता है ना, टाइम अभी हो रहा है 6:45। हम लोग अभी हैं तनोट माता के मंदिर के प्रांगण में, यहाँ पे पार्किंग का जगह है, वहाँ पे अपनी कार पार्क है। और इधर ही है एक किस क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धर्मशाला, धर्मशाला है। तो जिसमें हमने बात किया, तो बोले ठीक है आप रुक जाओ, बट अभी आरती हो रही है, आरती हो जाएगी तो वहाँ पे आके बैठेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह लेंगे, अंदर सोने के लिए जगह है, कंबल वगैरह सब मिलेगा। तो आज हम लोग इधर ही रुकने वाले हैं, लेकिन अभी हम कुछ देर पहले माता के मंदिर के अंदर भी गए थे, तो वहाँ पे अभी आपको दिखाई देते हैं। तो अभी आप साइड में देख रहे होंगे, ये वो सारे बम है जो कि पाकिस्तान वालों ने इधर अटैक किया था उससे, बट वो बम फटा नहीं था,
माता की कृपा से, वो अभी भी ऐसा ही है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उस पर लिखा होगा आप देख लीजिएगा, ये उस टाइम में 1971 में या 1900 कितना उस पर आ रहा होगा, तो जब पाकिस्तान और इंडिया का वार हुआ था उसमें 1300 माइल तक ये ऊंट पे सवार होके युद्ध किए थे। सैल्यूट है ऐसे वीर जवानों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी धर्मशाला में जाएंगे, रुक जाएंगे हम लोग। होप करते हैं ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना यार। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरे को भी मुस्कान देते रहिए। फिर मिलेंगे चलते चलते, अभी रुक जाइएगा कैमरामैन, एक बात हम भूल गए थे, अभी याद आया, ये जो मंदिर है ना, मंदिर के अंदर जितने सारे भी लोग हैं साफ सुथरा से लेके और पूजा पाठ करने के जितने भी हैं वो सारे आर्मी वाले ही हैं, तो ये बात सोचे आपको बता देते हैं। अभी चलिए, अभी बंद कीजिए आप, नहीं करना बंद, नहीं करना क्यों? और बताओ, अभी क्या बताओ, अरे इतना अच्छा स्टोरी बताता है यार, और बताता हूँ, और बता दे, और बताता हूँ अभी। वो जो बॉर्डर आप देखे है ना, उसके अंदर भी वैसा ही है, 70 किलोमीटर तक ना पाकिस्तान के अंदर भी वैसा ही है जैसे आपको हम रास्ता दिखाए हैं अपना इंडिया का। 70 किलोमीटर के बाद उसका पहला डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम रहमान क्या है पता नहीं, वो मैं लिख दूंगा अगर मुझे याद आता है तो, अभी तो बंद कर दो यार।